जी मेरा नाम है मोहम्मद इशाक, बाइक का छिपा। छिपा मतलब ये काम हाथ से काम करने वाले बाइक खास होते हैं। आज इसमें हमारी कम्युनिटी कई तरह के हैं, जो छिपा है, रंगरेज है, चढ़वा है, नीलगर है, ये सब छपाई का काम करने डाइंग करने वाले काम होते हैं। और वैसे ये हमारा काम खानदानी काम ब्लॉक पहले करते थे ब्लॉक प्रिंटिंग, अब थोड़ा जमाना चेंज हुआ तो ब्लॉक प्रिंटिंग साथ टाई एंड डाई स्टार्ट हो गया। और टाई एंड डाई शुरू से काम हो रहा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम टाई एंड डाई और ब्लॉक प्रिंटिंग दोनों काम करते हैं। इसने आते कोई बोलता है भाई हमें टाई एंड डाई सीखना सिर्फ, तो हमें टाई एंड डाई बांधने सिखाते हैं, डिज़ाइन कैसे बनती है उसका डिज़ाइन का तरीका सिखाते हैं, फिर धागे से बांधने का तरीका सिखाते हैं, फिर कलर के बारे में बताते हैं। वो सिर्फ एक ही कलर जानते हैं। स्टूडेंट आते हैं भाई हमें तो कलर कॉलेज पढ़ा है, एक सॉल्ट कलर आता है नेचुरली, बोलते सॉल्ट कलर आता है भाई, उस कलर कई तरह के आते हैं। इसलिए हम उनको बच्चों को समझाते हैं सॉल्ट भी आता है, नेपथोल भी आता है, प्रोसन भी आता है, इंडिगो भी आता है, वेट कलर भी आता है, ना मालूम कई तरह के कलर आते हैं। तो बच्चों को हर तरह हर कलर का हम सिखाते हैं। टाई एंड डाई सिर्फ सबसे पहले ग्रे कपड़ा आता है, मुंबई मालेगांव से आता है, मुंबई से आता है, इचलकंजी इडोर से पूरे वहाँ से माल आता है, वहाँ सिर्फ ग्रे कपड़ा आता है। ग्रे कपड़े की पहले वॉशिंग होती है, वो हम वॉशिंग हम आज से धुले करते हैं उसकी, उसको कपड़ा जो आता है उसको मांड लगी होती है, मांड को निकालना जरूरी होता है, मांड निकालने के बाद में उसको धुले करते हैं, धुले करने के बाद तीन चार पानी से सफाई होती है, फिर वापस सूखा देते हैं। कपड़ा सूखने के बाद में फिर उसको हम कपड़ा जो तो कटिंग करना होता है उसको कटिंग करते हैं, दो मीटर कट है, ढाई मीटर कट है, तीन मीटर कट है, चार मीटर कट, पाँच मीटर कट, जो कट के साथ कटिंग करना पड़ता है, उसके बाद उसको डिजाइन बांधनी पड़ती है। अब डिजाइन को दुपट्टे की डिजाइन है तो कौन सी डिजाइन बांधनी है वो अलग डिजाइन होती है, सूट की डिजाइन अलग बांधनी है, साड़ी की डिजाइन वो अलग बांधनी पड़ती है, डिजाइन उस हिसाब से बांधनी पड़ती है। उसके बाद में फिर हम उसको पहले बंदे का काम होता है, उसके बाद में लाइन का काम होता है। अब एक कलर में है या दो कलर में है या तीन कलर में या चार कलर में या पांच कलर पचरंगा करना है, उस डिजाइन के ऊपर सब हम सेट करते हैं। तो फिर सूट बनना है, दुपट्टा, साड़ी बनना, जो भी उस हिसाब से हम सेट करते रहते हैं। उसके बाद में फिर हमको जो पहले बंधे हो गई, फिर डाइंग हो गई, फिर उस कपड़े को वापस वॉशिंग करना पड़ता है, फिर उसको स्टीम देना पड़ता है। स्टीम देंगे तो कलर पक्का हो जाएगा और शरीर को नुकसान नहीं देगा, जब जाके माल ये तैयार होता है। सबसे कठिन काम है डिजाइन बनाना, डिजाइन बांधने का, और उससे ज्यादा कठिन काम है सर्दी के मौसम में धुलाई करना। जोधपुर टाई एंड डाई फेमस है उसके कलर, जो कलर सैनिक जोधपुर की आएगी, क्लाइमेट जो जोधपुर का है वो जयपुर का नहीं है, गुजरात का नहीं है, भुज का नहीं है, अंजार का नहीं है, बाड़मेर का नहीं है, वो क्लाइमेट का फर्क पड़ता है। सबसे बड़ा क्लाइमेट मालिक की देन है जोधपुर के ऊपर, जो क्लाइमेट यहाँ का अच्छा है। जो टाई एंड डाई ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए कलर की जो साइनिंग आई थी वो पूरी इंडिया में कहीं नहीं आएगी। राजस्थान स्टूडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आपको सीखना है, काम देखना है, सीखने के लिए आए उनका हम स्वागत करेंगे, उनको हम काम सिखाएंगे।